शो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एग्जाम्पल। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इफ 10 × sin^4α + 15 cos^4α इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना है 27 cosec^6α + 8 sec^6α की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इस वाले पार्ट की। 27 cosec^6α + 8 sec^6α। अभी 6 पावर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर पावर के लिए। तो इसको स्क्वायर पावर में कन्वर्ट करते हैं। 27 cosec^2α/3 लिख सकते हैं, +8 sec^2α, उसका भी क्यूब लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों को लिख सकते हैं। अभी कॉसेक स्क्वायर अल्फा की हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 27 वैसे का वैसा। कॉसेक स्क्वायर अल्फा की फॉर्मूला है 1 cot^2α, उसका क्यूब, प्लस सिमिलरली 8 sec^2α की फॉर्मूला क्या है 10 के लिए, 1 + 10^2α, दोनों उल्टी फॉर्मूला है एक दूसरे से, उसका क्यूब। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने के चाहिए हमको, कॉट की एंड 10 की। चलिए, तो हमको दिया गया क्या है, ये वाला हमको दिया गया है, इसके ऊपर से हमको कॉट की एंड 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमको दिया गया है 10 sin^4α + 15 cos^4α इज इक्वल टू दिया गया है 6। अभी वैल्यू किसकी चाहिए, 10 की एंड कॉट की। तो 10 हमको पता है कि क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, किससे डिवाइड करेंगे, cos^4 से सभी को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, sin^4α अपॉन cos^4α + 15 cos^4α अपॉन cos^4α। इस साइड डिवाइड किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा, 6 अपॉन cos^4α। ये हो गया कैंसर, sin^4α cos^4α, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, मतलब 10 × 10^4α + 15 = 6। यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे बचा 1 अपॉन cos। तो 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है sec x। तो इसको हम लिख सकते हैं sec^4x। अभी sec^4 आया, इसका मतलब कि इसकी स्क्वायर की फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ऐसा इसको हम। चलिए, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6 sec^2 की जगह पे 1 + 10^2x उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 × a + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 + 2ab, यानी कि 2 10^2x + 10^2 का भी स्क्वायर, यानी कि 10^4x। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6 + 12 10^2x + 6 10^4x। इसको भेज देते हैं सभी को सामने की साइड, तो बचेगा क्या, नहीं तो इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं इस साइड। चलिए, तो क्या बचेगा, 10 10^4α +15, सभी क्या हो जाएगा, माइनस, -6 माइनस
टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, एक्स की जगह पे अल्फा कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, -6 10^4 अल्फा इज इक्वल टू 0। चलिए, 10^4 अल्फा, 6^4 अल्फा दोनों माइनस है, तो क्या बचेगा? 4 × 10^4 अल्फा। माइनस स्क्वायर की पावर तो एक ही है, -12 10^2 अल्फा। ये क्या हो जाएगा? 15 - 6 यानी कि 9 + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला किसकी बनी, 2 10^2 अल्फा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 10^2 अल्फा -3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। देयरफॉर 2 10^2 अल्फा इज इक्वल टू 3, एंड 10^2 अल्फा हमको मिल गया 3/2। 10 मिल गया, 10 से उल्टा क्या होता है? कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 2/3। 10 मिल गया, कॉट मिल गया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमको पुट करनी है। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या बचेगा? हमारे पास था 27 × 1 + cot² अल्फा का क्यूब + 8 × 1 + 10^2 अल्फा का क्यूब। चलिए, 27 वैसे का वैसा, 1 + cot² क्या है? 2/3। 2/3 + 8 × यहाँ पे क्या है? 3/2, यानी कि 1 + 3/2 का। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 27 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 + 2/3 + 8 × 2 + 3/2 का क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब है, इज इक्वल टू 27। ये क्या हो जाएगा? 5/3 का क्यूब + 8 × 5/2 का क्यूब। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्यूब कर लेते हैं इसका। 27, 5 का क्यूब 125 / 3 का क्यूब 27, 27 27 कैंसल + 8, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 8 8 कैंसल, 125 + 125 क्या मिलेगा? 250। यानी कि हमको जो आंसर फाइंड करने के लिए बोला गया वो हमको क्या मिल गया? 250 मिल गया।